जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलटर्स नेक्स्ट डोर। हम जाने जाते हैं निष्पक्ष एडवाइस के लिए, हम जाने जाते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रोकिंग के लिए, और हम जाने जाते हैं ग्रीड फ्री ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आज मैंने सोचा कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में ना बहुत तड़ाका भड़ाका चल रहा है, अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, तीन तीन दिन में बिक जा रहे हैं। वो अपार्टमेंट्स लॉन्च होने के बाद जब उनकी नेक्स्ट राउंड ऑफ पेमेंट्स आ रही हैं तो बहुत सारे लोग उसमें से ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स ये लेके खरीद रहे हैं कि यार मैं ये लेता हूँ, मेरे पास 20-25 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर मैं लोन ले लेता हूँ, 30% पेमेंट क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मैं ये घर फ्लिप कर दूंगा। तो आज अगर आप एक होम बायर हैं और जो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक ब्रोकर हैं जो लोगों को घर फ्लिप करने की एडवाइस से उनको घर दिखा रहे हैं तो ये वीडियो भी बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप एक एंड यूज़र हैं जिन्होंने गुड़गांव के नामी गिरामी हाई राइज प्रोजेक्ट्स में घर ले लिए हैं तो भी ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस वीडियो पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारे कमेंट्स करने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सिंपल और क्लियर तरीके से ये बताऊँगा कि रियल एस्टेट में प्रॉफिट कैसे बुक किए जाते हैं। देखिए जाना, आज मैं दो एसेट क्लासेस को कंपेयर करता हूँ, एक है रियल एस्टेट और एक है स्टॉक मार्केट। आप सब ये जानते होंगे कि जिस टाइप के रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलते हैं वो रियल एस्टेट में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी आज के टाइम पे इंडिया में एक बहुत ही तगड़ी रैली बनी हुई है दैट रियल एस्टेट गेट्स यू बिग मनी, रियल एस्टेट गेट्स यू बिग मनी। यस, रियल एस्टेट डज गेट यू बिग मनी, बट यू शुड हैव द होल्डिंग पावर ऑफ बाइंग द इन्वेंट्री इन लो टाइम्स। आप सब वॉरेन बुफे के बारे में तो जानते होंगे। वॉरेन बुफे साहब क्या कहते हैं? वॉरेन बुफे साहब ये कहते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक खरीदो और उसके बाद ना डिप देखो ना हाई देखो, उस स्टॉक को होल्ड करो और ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स 20 इयर्स योर स्टॉक विल डबल क्वाड्रुपल एंड गिव यू ग्रोथ। यही सेम कहानी रियल एस्टेट में भी लागू होती है। रियल एस्टेट में 90% लोग जो ये सोच के घुसते हैं कि वो 30% पेमेंट के बाद अपने घर को फ्लिप कर लेंगे, उन 10 लोगों में से जो ये सोच के घुसते हैं 8 लोग बिना कोई प्रॉफिट बुक किए बिना प्रॉफिट मार्केट से बाहर निकलते हैं। अब देखिए, गुड़गांव में पिछले 4 साल में बहुत नए लॉन्चेस आए, हाइंस एलिवेट का लॉन्च आया, महिंद्रा लुमिनेयर का लॉन्च आया, डीएलएफ आर्बर लॉन्च हुआ, पुरी अरावलीज लॉन्च हुआ, सिग्नेचर ने अपने लो राइज लॉन्च किए, ट्रंप टावर आया, M3M के नए लॉन्चेस आए। अब इन सारे लॉन्चेस की कहानी समझिए, जितने लॉन्चेस 2020 और 2021 में आए जब मार्केट एक अपवर्ड बूम में थी, जब बुल रन हमारा शुरू हो रहा था, उन लॉन्चेस ने बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी अपनी प्राइसेस में। हाइंस एलिवेट जो 10,000 का बिकना शुरू किया था, आज रीसेल की मार्केट में 17,000-18,000 रुपए पे आराम से ट्रेड हो रहा है, शायद 19,000 भी रेट टच हो गया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट 17,000-18,000 रुपए के रेट पे तो ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपको समझने वाली बात क्या है, ये जो जंप आया है ये जंप एक मार्केट के बुल रन की वजह से है, ये इस वजह से नहीं है कि अपार्टमेंट सारे इसी तरीके से ग्रो होते हैं। मैं आपको डीएलएफ और आलियाज का एग्जांपल देना चाहूँगा। आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर ये ज्ञान दे रहे हैं कि जिन्होंने डीएलएफ और आलियाज 2004 में 2005 में 1 करोड़ का खरीदा था, आज वो अपार्टमेंट 17 करोड़ का है। भाई साहब, उस बात को आज 18 साल हो चुके हैं, और आपने अगर अपने ग्राहकों को ये नहीं बताया ना कि डीएलएफ और आलियाज के प्राइसेस पहले 7 से 8 साल बहुत नॉमिनल पेस पे ग्रो हुए, फिर 2012 में उन्होंने एक जंप देखी और अब जो आखिरी जंप आई है वो 2020 के बाद आई है, तो आप अपने ग्राहकों को मूर्ख बना रहे हैं। ग्राहकों, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी ये बात को अपने जहन में बिठा लो कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ले रहे हो और आप उस पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो ये बात मेरी ध्यान में रखना कि अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये की है और आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं देने के लिए तो उस प्रॉपर्टी में एंटर मत करिए। लेवरेज उतना ही लीजिए जितनी आपकी सैलरी आपको अलाउ करे। आप ये सोच के कभी प्रॉपर्टी मार्केट में मत एंटर करिए कि आप 30% पैसे देके प्रॉपर्टी को फ्लिप कर लेंगे। Property is a long-term investment. Property is bought for increasing generational wealth, and property is not bought for short-term gains. कौन करता है property में short-term gains? Property में short-term gains करते हैं मेरे जैसे traders और मेरे जैसे investors और मेरे जैसे brokers जो real estate की market में day in day out काम करते हैं। आप मेरी ये बात समझिएगा, real estate या किसी भी asset class को खरीदने का एक बहुत simple rule है,
एंटर एट द राइट टाइम, एग्जिट एट द राइट टाइम. एंटर एट द राइट टाइम से रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही तर्क है, आप मार्केट में तब घुसिए जब प्रोडक्ट प्री लॉन्च में, प्री लॉन्च में भी तब घुसिए जब आपको बिल्डर की ड्यू डिलीजेंस पे यकीन हो. अब DLF ने प्रिमाना लॉन्च किया, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है. आई 100% अग्री दैट DLF प्रिमाना विल गिव यू ग्रेट रिटर्न्स इन द फ्यूचर, बट दोज ग्रेट रिटर्न्स विल ओनली कम वंस द होल एरिया इज डेवलप्ड बाय DLF. DLF प्रिमाना आपको 3 साल के अंदर रिटर्न नहीं देने वाला. अगर वो रिटर्न देगा भी तो आपको अपनी बेचने की ब्रोकरेज देने के बाद वो रिटर्न इतने ही पड़ेंगे जितने अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते तो आपको मिलते. तो भाई साहब, आप लोन ले रहे हो, 10 बार प्रिमाना घूमने जाओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, अपना दिमाग लगाओगे, रियल एस्टेट मार्केट को फॉलो करोगे, अगर तो आपको उतना ही रिटर्न चाहिए जितना फ्लिपिंग के बाद आएगा, तो बैंक में पैसा रख लो ना. और अगर आप एक सेंसिबल आदमी हो, अगर आप 30 से 35 साल के एक इंडिविजुअल हो जिसकी अभी शादी हुई है या होने वाली है, और आप चाहते हो कि आप अपने लिए जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करो और आप अफोर्ड कर सकते हो उसका इनका पैसा, तो DLF प्रिमाना में ज़रूर इन्वेस्ट करो, इन अपार्टमेंट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करो. लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, आज के टाइम पे गुड़गांव के बाज़ार में अपार्टमेंट के रेट ऑलरेडी पीक पे हैं. मैं अपने सारे ग्राहकों को ये बताता हूँ कि आज 2024 में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मार्केट हमारी पीक पे है. एक महीने में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद मार्केट फिर बूम होगी. लेकिन क्या 2026 और 2027 में भी मार्केट ऐसे रहने वाली है? जी नहीं. अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको सच बताऊं तो मैं ये देखता हूं कि 2026 और 2027 में इस मार्केट में स्लंप आएगा. 2026-2027 वो समय भी होगा जब आपके बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स कंप्लीट होने वाले होंगे. इस टाइम पे जिन लोगों के पास पेमेंट करने को पैसे नहीं होंगे ना, वो आपको पुराने रेटों पे घर देखे जाने वाले हैं. जी हाँ, पुराने रेटों पे. और आप ये मेरी बात आज ध्यान रख लेना, बहुत सारे मेरे ब्रोकर भाई जो अपार्टमेंट्स को प्रमोट करते हैं वो मेरे को आके उल्टी सीधी चीज़ें लिखेंगे. वेलकम, ब्रिंग इट ऑन. मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और जो मुझे बहुत सराहते हैं, वो आपका जवाब दे कि कैसे जो बातें हम आपको रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे बता रहे हैं वो सच है. अरे मूर्खा, किसी के 30-35 लाख लगवा के, लोन दिलवा के, अगर आज तुम सेक्टर 76 में प्रिमाना में उसको अपार्टमेंट दिलवा दोगे ये बोल के कि अभी फेज 3 और फेज 4 लॉन्च होने वाला है, तो ये मेरी बात याद रखो कि जब तक प्रिमाना सेक्टर 76 सेक्टर 77 में DLF पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना देता, तब तक वहाँ एंड यूज़र बहुत कम रहने को आएंगे, और जब तक एंड यूज़र रहने को आएंगे तब तक अपार्टमेंट्स में अप्रिसिएशन नहीं होगी. DLF प्रिमाना में अप्रिसिएशन होगी, लेकिन अगर आप उस अपार्टमेंट को बनने तक होल्ड कर सकते हैं. आज ये मेरी बात ध्यान रख लीजिए, और जिस भी ब्रोकर ने आपको प्रॉमिस किया हो कि वो 30% पे आपका अपार्टमेंट फ्लिप करा देगा, मेरी ये वीडियो उसको दिखाइए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए. रियल एस्टेट में सारे आपको एक स्पेकुलेशन देते हैं, कोई भी ज्योतिष नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. तो प्लीज़ अपना दिमाग लगाओ और जागो ग्राहक जागो, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए. दिस इज योर फेवरेट एंड द गुड़गांव मोस्ट ट्रांसपेरेंट रियलिटी, चेतन कौशल सेइंग जय हिंद फॉर टुडे.